फतेहपुर से भी इस वक्त एक बड़ी खबर मिली, जहां पर सवारियों से भरी नाव यमुना नदी में पलट गई है। नाव में करीब 15 लोग जो सवार थे लापता बताए जा रहे हैं। यमुना में नाव पलटने से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है। किशनपुर थाने के मड़ैयन घाट की एक घटना है। हालांकि राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन अभी भी 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जो कि इस नाव से सफर कर रहे थे। फतेहपुर की खबर, जहां नाव हादसा हुआ है, 15 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मड़ैयन घाट की एक घटना है किशनपुर थाने के क्षेत्र के, और इसके बाद स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंचे। लापता लोगों को खोजने की कोशिश की जा रही है और प्रशासन ने गोताखोरों को मौके पर बुलाया है, ताकि लापता लोगों की तलाश की जा सके। किस वजह से हादसा हुआ, क्या नाव ओवरलोडेड थी, लेकिन अमूमन जिस तरह से एक छोर से दूसरे छोर नदी पार करके लोग जाते हैं, नाव में बड़ी तादाद में बैठते हैं, इसको लेकर भी ये आशंका जताई जा रही कि हो सकता है कि सवारियां नाव में ज्यादा हो, ओवरलोडेड हो गई हो, जिसकी वजह से हादसा हुआ हो। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई ठोस बात सामने नहीं निकल पाई। पुलिस भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। राहत और बचाव के लिए लगातार फतेहपुर का प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन अचानक ही बताया जाता है कि नाव पलट गई। 15 लोग अभी लापता बताए जा रहे, कुछ जरूर बचकर तैरकर किनारे तक आए। स्थानीय लोग दौड़े, अभी भी स्थानीय लोग भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि लापता लोगों को तलाशा जा सके। यमुना में ही यह हादसा हुआ है। नाव पलटने से अभी भी हड़कंप बचा हुआ, क्योंकि 15 लोग लापता हैं और उनका अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। राहत बचाव का काम भी चल रहा है, स्थानीय लोग भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 15 लोग जो लापता हैं उनके बारे में कोई खबर नहीं है। नाव कैसे पलटी है, इस बारे में कोई भी अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। किशनपुर थाने के मड़ैयन घाट के पास जैसे ही यह नाव पहुंची थी, अचानक ही पलट गई। अवनीश हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अवनीश, ये नाव पलटी कैसे, कैसे यह हादसा हुआ और 15 लोग जो लापता है उनके बारे में कोई खबर, राहत बचाव का काम कैसा? जी देखिए, आपको बता दें कि राहत और बचाव का काम जारी है। पुलिस और प्रशासन जो है कि कई टीमें इस समय यमुना नदी में, मतलब जो लोग खोए हुए हैं उनको अभी भी ढूंढ रही है। और आपको बता दें कि ये फतेहपुर की एक सीमा है जो बांदा से टच होती है, तो ये लोग बांदा जा रहे थे और रास्ते में तभी बीच में नाव में 20-25 लोग सवार थे और नाव अचानक पलट गई, जिससे अभी ऐसी सूचना मिल रही है, 1 से 2 लोगों के मरने की भी खबर मिल रही है। जी नहीं, हादसा हुआ कैसे, क्या नाव में ज्यादा लोग